in this video we will discuss about female cone of pinus pinus reproduces by the formation of male and female cone male cone we have discussed in the previous video link will be shared in the description box in this video we will discuss about female cone uh, female cone in case of pinus matures in 4-5 years uh, इन इन फर्स्ट ईयर पहले साल जो इसका कोन है इट विल बी रेडिश ग्रीन इन कलर और उसकी जो लंबाई होगी वन टू टेन टू सेंटीमीटर लॉन्ग एज वी हैव सीन हियर दिस दिज आर द कोन्स एंड दिस पार्ट दिस पार्ट इज़ द मेगा स्पोरो सो इसकी जो मेगा स्पोरोस हैं वो कम्पैक्टली अरेन्ज हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई जगह नहीं है बिल्कुल एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं तो ये जो हमारे पास पहले साल का कोन होगा उसमें टोटली कम्पैक्टली अरेंज होंगी अब सेकेंड ईयर के कोन में भी हम देख सकते हैं कि बिल्कुल जगह नहीं है ये सारी कम्पैक्टली अरेंज है सो सेकेंड ईयर कोन जो है थोड़ा बड़ा हो जाता है लार्ज इन साइज वुडी हो गया अरेंज स्पोरोफिल्स वी कैन सी हियर आल्सो दिस इज़ द सेकेंड ईयर हियर वी कैन सी देर इज़ नो प्लेस इन बिटवीन दिज आर मेगा स्पोरफ एंड यहाँ पर आप देखोगे ये भी वूडी है लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पर ये खुल रही हैं जगह है, है यहाँ पर सो so, इसको हम कहेंगे लूजली अरेन्ज मेगा स्पोरफ हिल्स राइट सो सेकेंड ईयर में बड़ा साइज है वुडी है कॉम्पैक्टली अरेन्ज मेगा स्पोरोफिल्स हैं थर्ड ईयर में बड़ा हो गया और बड़ा हो गया वुडी हो गया सीड्स uh, बनने शुरू हो जाते हैं सेकेंड ईयर में ओव्यूल बनते हैं थर्ड ईयर में सीड बनने शुरू हो जाते हैं स्पोरोफिल्स जो हैं बिल्कुल लूजली अरेंज हो जाती हैं जैसे हम ये देख रहे हैं बिल्कुल लूजली अरेंज है और चौथे साल में जो uh, कौन है और बड़ा हो गया वुडी हो गया स्पोरोफिल्स टोटली खुल गई और बिल्कुल ही लूजली अरेंज है और इसकी जो सीट्स हैं डिस्पर्स हो सकती हैं थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में वो डिस्पर्स हो सकती हैं सो so, वहाँ यहाँ पर हम देख सकते हैं ये फोर्थ ईयर है और ये इसकी मैकेसपोरोफिल्स हैं तो ये है सेकेंड ईयर ये तीनों जो कोन्स हैं ये थर्ड ईयर के दिखाए गए हैं यहाँ पर और ये चौथे साल का दिखाया गया है सो दिस इज़ अबाउट डिफरेंट कोन्स ऑफ फाइनर्स ऑफ डिफरेंट ईयर्स सो इफ़ वी कट द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फीमेल कोन ऑफ फाइनर्स सो so, ये हमने पूरा डायग्राम बनाया है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि एलस मेच्योर फीमेल कोन ऑफ फाइनस है तो ये जो है सेंट्रल एक्सिस है और इसके आसपास ये जो है दीजर मेगा स्पोरोफिल्स और मेगा स्पोरोफिल्स के ऊपर आप देख सकते हैं ये अव्यूल पड़ा हुआ है जो बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाएगा जब अव्यूल राइपन हो जाता है तो वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रल ऑक्सेस होता है जो इसको वेस्कुलर सप्लाई मिल रही है नरिशमेंट मिल रही है और यहाँ पे जो इसकी स्केल है मेगा स्पोरोफिल दो तरह की बनी होगी कार्पेलरी एंड ओवलीफेरस स्केल ओवली फेरस केल के ऊपर अव्यूल होगा तो ये ओवली फेरस स्केल हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये अव्यूल है और ये विंग्स बने होते हैं और ये जो स्टेराइल पार्ट है इसको हम एपोफाइसिस बोलते हैं बाद में जो अव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है तो इसके जैसे पॉलन ग्रेन इसके विंगड हैं ऐसे सीड भी इसके विंग्ड हैं तो सीड जो है इसके डिस्पर्स हो जाएंगे हवा की हेल्प से बिकॉज दे आर दे आर हैविंग विंग्स सो दे कैन बी डिस्पर्स इन द फोर्थ ईयर फ्रॉम द फीमेल कोन ऑफ पाइनस So, this is about structure when we cut LS of female cone of finus megasporophylls, they bear the ovules. Now, we will discuss what is the structure of the ovule. Now, if we see the ovule here, you can see this part, central part, is called as nucellus, right? And this is made up of parenchymatous tissue, like this soft tissue, parenchymatous tissue. And this is covered by integument part. This is the integument part.

तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो न्यूसेल्स में ऐसे एक, एक सेल बनेगा राइट दिस विल बी कॉल्ड एज मेगा मदर सेल मेगा स्पोर मदर सेल जिससे फर्दर ये चार में डिवाइड कर जाएगा टू थ्री एंड फोर तीन जो हैं डिजनरेट हो जाते हैं इसके मेगा स्पोर्स और एक जो है इसका फंक्शनल हो जाता है तो यहाँ हम देख सकते हैं कि तीन डिजनरेट हो रहे हैं एक फंक्शनल है तो ये मेगास्पोर जो मदर सेल है ये मैं सेल डिवीजन में जाएगा ये क्योंकि मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉयड है तीन बन गए हमारे पास ऊपर ए और एक यहाँ बन गया ये फंक्शनल हो जाता है और ये तीनों डिजनरेट हो जाते हैं सो दिस इज़ द फंक्शनल मेगास्पोर हैविंग न्यूक्लियस दिस इज़ द न्यू सेलस पार्ट दिस आर इन एंड दिस पार्ट इज़ द पॉल चैम्बर सो लेटर ऑन दिस ऑव्यूल विल राइपन टू फॉर्म द सीड